रखा है इसका नाम सलमान रखा हुआ जो हमारी छोटू का फ्रेंड है। कॉल कर लूं उससे, क्या बोल रही है, स्पीकर पे रखूंगा। बहुत गाली देगी क्योंकि उसने मुझे बोला था 3 बजे से पहले निकल जाना वहां से। अभी हो गया है 4:30, मैं बहुत ही लेट हूँ। हेलो, तो फाइनली जा रहे हैं वडोदरा। Hey guys, finally going to Vadodara by the way. पता नहीं फुटेज कैसी आ रही है। तो मैंने अभी तक व्लॉग का इंट्रो नहीं किया है। तो नई सुबह के साथ मैं निकल पड़ा हूँ अपनी नई राइड की ओर और ये जा रहा हूँ मैं वडोदरा। तो थोड़े से काम बाकी हैं, पहले थोड़े एक मिनट वॉल्यूम कम कर लेता हूँ। पहले एक दो काम बाकी है, वो पहले कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो स्वीट्स लेनी है जहाँ मैं जा रहा हूँ। बाय द वे मेरे ससुराल जा रहा हूँ, ठीक है, तो उनके लिए स्वीट्स वगैरह आ गई। मिठाई और अच्छी सुविधा है बाय द वे उसके अंदर। स्टार्टिंग में ये लिया और 500 ग्राम्स पिस्ता, तो बेसिकली आ गया। सो लेट्स सी, अब जाते हैं डायरेक्ट टू वडोदरा और निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे एक्चुअली मैं अंदर कैमरा नहीं ले गया, उसका रीज़न ये था कि भीड़ ज़्यादा थी और दे आर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग तक। हाँ, यहाँ पे हैंड सैनिटाइज़र रखा हुआ है और शॉप भी बाय द वे काफ़ी बढ़िया है, कैलाश है शॉप का। लोग मुझे ताड़ रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, खुद को शूट कर रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ धूप बहुत है, मुझे एक बेहतरीन लोकेशन यहाँ पे मिला है बाय द वे, एग्जैक्टली टोल टैक्स के अपोजिट साइड। नज़ारा मैंने आपको दिखा दिया बाय द वे वहाँ पे। अच्छा यार, बहुत धूप बहुत है और यार दोपहर में ट्रैवल करना मुझे ऐसे भी पसंद नहीं है बाय द वे, बहुत कम पसंद है। क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है तो नहीं मुझे पता, पर अपनी वाइफी से मिलाते हैं आपको, क्यूट सी वाइफी। उसका नाम मैंने कुछ सोच के रखा है, मतलब इंट्रोड्यूस उसको छोटू से करूँगा। वो बाय द वे मुझे जाडू बुलाती है क्योंकि वो छोटू है और मैं मोटू, बेस्ट कॉम्बिनेशन है बाय द वे हम दोनों का। एक्चुअली मैं कल व्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाया था कल नाइट का, कालोल बाय द वे मेरा ससुराल हो गया था कल। एक्सपोजर में भी पता नहीं चल रहा था और फ्रेम रेट भी पता नहीं चल रहा था, तो उसकी वजह से इशूज़ आ रहे थे। मेरी छोटू भाग रही है कैमरा से। हम लोग ये पापी गुड़िया को लटका रहे हैं ऊपर, ये है, और इसको मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया अभी तक। ये इसको तो मैं ब्लर कर दूंगा बाय द वे, अभी इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा। ये है मेरी प्यारी क्यूटी वाइफी। हेलो, ये सब हम छोटू को हंसाने के लिए कर रहे हैं, छोटू के साथ खेल रहे हैं, ऐसा करके बच्चे बन गए हैं। इस पापी गुड़िया को हम ऊपर लटका रहे हैं। छोटू पापी गुड़िया ऊपर चढ़ गए, देख ले। हमने इसका नाम सलमान रखा है। हाँ, इसका नाम सलमान रखा हुआ जो हमारी छोटू का फ्रेंड है। हमारी छोटू यहाँ छुप के देख रही है, छुप गई छुप गई। We said, "Mommy, Papa,
पाउडर दे से भी छू ये दोनों का प्यार देखो ये वाली मेरी भांजी है इसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपको सो बेसिकली मेरे भाभी जी हैं मेरे भैया हैं और ये मेरी वाइफ थी बाय द वे ये मेरी भाभी जी हाय कैसे हो और इसको तो आपने देख ही चुका है इसने पापी गुड़िया को जो लगाया था इसको फांसी पे लगाया था और ये रहे मेरे भैया मतलब इनके भैया जो अभी ये साइकिल चला रहे हैं और ये मेरी छोटू है छोटी सी छोटू मेरी बहुत शर्माती है बाय द वे कैमरा से ये मेरी छोटू है मेरी प्यारी सी छोटू यहाँ पे फन टाइम चल रहा है बाय द वे फैमिली के साथ चलो मैं भी बैठ जाती हूँ तो भैया और भाभी दोनों ट्राई कर रहे हैं छोटी सी साइकिल पे इतना बड़ा बर्डन देने को आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा पूरा जोर लगाते हुए Afraid to leave this out. We got this far, don't know how. बस हम लोग फोटो सेशन कर रहे थे आज बहुत मजा आया अभी कल जाएंगे हम लोग सूरत कहाँ जा रहे हैं हम लोग बाय द वे बस हम लोग चक्कर लगाने जा रहे हैं अभी बहुत अच्छा एटमोसफियर है जा रहे हैं अभी बाबागढ़ रोड एक लाइट बन गई छोटू मंकी बन गई है अभी मंकी पोज दिया है उसने जी पूरा कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं एकदम सेफ ड्राइविंग करते हुए 40 में क्या बनाया जिल डोसा आज डोसा बनाया है मम्मी के हाथ का डोसा बहुत प्यारा वाला जो इसे बहुत अच्छा लगता है हाँ मुझे भाई देव बहुत पसंद है वो कभी मैं और कहानी बताऊंगा मेरी हैदराबाद स्टोरीज की मुझे बहुत ही पसंद है डोसा छोटू कब से ट्राई कर रहा है मतलब हो ही नहीं रही उससे लाइट बंद आप बहुत अच्छा बनाते हो डोसा भाई जी मम्मी जी इसकी है थोड़ा सा मुझे लग रहा है ऐसे सूट करना कोई होना चाहिए साथ में अकेले शूट करना कार में बड़ा ही डिफ़िकल्ट है एक्चुअली मेरे ख्याल से क्योंकि ध्यान आपको दोनों साइड रखना है ना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि ऐसे आप शूट करें और मैं भी अभी नहीं करूँगा जब मुझे लगेगा खड़ा रह के शूट करना है तभी मैं करूँगा या कुछ बोलूँगा क्योंकि देखो यार लाइफ में रिस्क लेना चाहिए पर जान के साथ ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए या जो कोई भी करता हो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ लाइक आपने कैमरा कहीं स्टिक किया हुआ है और आप लोग कर रहे हो ब्लॉग तो